फ्रेंड्स, आपका एट्रेटिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको यह नई डिजाइन का तोरण पट्टी कैसे बना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसे मैंने 2-ply उल से बनाया है, आप 3-4 से भी इजीली बना सकते हैं। और इसे कैसे बनाया गया, आइए इसे देखें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 2 कलर का उल लिया है, जो 2-ply है और यह 7 नंबर की क्रोशिया है। अभी मैं इससे स्टार्ट करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नोट लगाएंगे। एक नोट लगाया, नोट लगाने के बाद 1, 2, 3 चैन लेंगे और फिर फर्स्ट नोट पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से अगेन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 चैन लेंगे। 1, 2 बार लपेटेंगे। 2 बार लपेटने के बाद इससे हमें 1, 2 हाफ तक बनाने हैं, 2 फंदे को रखना है। अगेन 2 बार और फिर सेम स्पेस से निकालेंगे, 1, 2 3 फंदे रहेंगे। अगेन 1 बार और इस तरह से 1, 2, 1, 2, 3, 4 फंदे हो गए। अब इसे सारे को एक साथ बना लेंगे और फिर यहाँ पे बंद करने के बाद 1, 2, 3 चैन के बाद फिर इस हुक पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अगेन 1, 2, 3, 4, 5 और 2 बार लपेटेंगे और फिर सेम वाले नीचे वाले स्पेस से 2, 3, 4 अब इसको बंद करने। इस तरह से हमें एक खास लंबाई तक बना लेनी है। खास लंबाई बनाने के बाद मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। इस तरह से हमें जितनी लंबाई चाहिए होगी इतनी लंबाई हम इसे बना लेंगे। अब इसके आगे का प्रोसेस, आगे का प्रोसेस के लिए यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैन बनाएंगे और 7 चैन बनाने के बाद यहाँ जो हमने डबल क्रोशिया का जो बनाया था उसके सेंटर से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2 अगेन 2 बार लपेटा सेम इस पे स्पेस पे, अगेन 2 बार सेम स्पेस पे इस तरह, अगेन 2 बार और इस तरह से 5 चैन हो जाएंगे। 5 चैन को एक साथ मिला के इसमें हमें फर्स्ट बार में 7 फंदे चैन लेने हैं एंड नेक्स्ट में 10 लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैन लिया और अगेन फिर लपेटेंगे और फिर सेम स्पेस पे इसी पे यानी 2 बार हमें इस तरह से बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। फिर अगेन इसे हमें बंद कर देना और अब हमें 1, 2 लपेटते हुए ये इस नोट पे हमें बनाना है। 1 बनाया, अगेन इस पे 2, 3 और 4 बना। अब इसे एक साथ बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैन लेने हैं और फिर सेम स्पेस पे इसी स्पेस पे अगेन हमें
ट्रिपल क्रोशिया का हाफ बनाएंगे, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, थ्री टाइम एंड फोर टाइम बनाया और इसे सारे को एक साथ बंद कर देंगे। इस तरह से ये दो दो पंखुड़ियाँ बनाते हुए साथ में ऊपर में टेन का चैन बनाते हुए पूरे हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे यानी कि ये लास्ट रो, लास्ट पे हमें ये दो बनाने के बाद इस पे ज्वाइंट करने हैं, तो इस पे हमें पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर बनाया और इसे बंद कर देंगे। और यहाँ पे हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तीन बार बनाया और फिर सेम स्पेस पे बनाने हैं, वन टू थ्री फोर बंद कर देंगे। यहाँ पे एक बनाया, अगेन बनाना है फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन के दो बनाएंगे अब और सेम स्पेस पे, वन यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पे दो बना और बनाने, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, दो जो है हमें सेवन बनाएंगे और बाकी जो इधर टर्न लेंगे उस पर हमें टेन टेन का ही लेके जाना है। इसे टू बनाया, थ्री फोर ये बना, वन टू थ्री बनाए हैं। अब इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन का बनाया और फिर सेम स्पेस पे वन टू थ्री फोर और फिर इसे बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमें लास्ट पे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बनाते हुए अब फिर यहाँ आएंगे इस पे, इस पे जैसे कि इस पे बनाया गया था सेम प्रोसेस इस पे दोहराना है। इस पे टर्न लिया, इस तरह से यहाँ देखेंगे यह फ्लावर हमारा एक कंप्लीट हो गया है। लास्ट पे हमें इस तरह से छः का ये आएगा, पेटल आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव और एक या सिक्स, और ये दो बनाने के बाद अब फिर इस स्पेस पे जाकर हमें पंखुड़ी बनाने हैं, वन टू थ्री और ये फोर, फोर टाइम। अब सारे को एक साथ इस तरह से बंद कर देंगे, बंद हो गया। अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन टाइम, फिर सेम स्पेस पे वन टू थ्री फोर, लास्ट में सारे को बंद कर देंगे और नेक्स्ट चले जाएंगे फिर इस स्पेस पे। इस तरह से हमें, मैं इसे निकाल लेती हूँ, यहाँ देखेंगे इस तरह से हमें पूरे फ्लावर का फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ एंड देखेंगे, ये दोनों बनाने के बाद इस पे कंप्लीट फ्लावर हो गया। अब लास्ट एंड कैसे करेंगे,
इसे इंड करने के लिए इस पर हमने 7 फंदे डाला, सॉरी 7 चैन बनाया। 7 चैन बनाकर इससे स्लिप नॉट कर देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो यह हमारा फ्लावर का पैटर्न तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसे कट कर लेने हैं इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे इस पर कैसे बनाया गया है उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यह किनारे का कैसे बनाया गया है उसको बताने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए हमें सफ़ेद ऊन लेना है। आप ऐसे दो कलर का कोई भी कॉम्बिनेशन करते हुए आप बना सकते हैं। स्टार्टिंग हमें यहाँ से करना है, ये लास्ट से। तो इस पर हमें एक नॉट लगाने हैं और इस तरह से कॉर्नर से निकालना है। कॉर्नर से निकालेंगे, इस तरह से नोट लगा लेंगे और इस स्पेस पे 7 चैन वाले पे 7 बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस पे भी 7 बनाने हैं और इस रो पे भी 7 बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बना दिया। ये 2 पे अब इस पे आएंगे। इस पे हमें 1, 2, 3, 4, 5 बनाया और फिर 6 बनाएंगे और इस पे 1, 2, 3, 4 चैन लेंगे। 4 चैन लेने के बाद इस नोट पे हमें स्लिप स्टिच करने हैं इस तरह से। इस तरह से इस पर स्लिप स्टिच करेंगे। अगेन 1, 2, 3, 4 चैन बनाएंगे और अगेन इस पे ऊपर वाला जो है देखेंगे इस पर फिर स्लिप स्टिच करेंगे कुछ इस तरह से। अगेन 1, 2, 3, 4 और ये ऊपर वाले पे जिसे अभी भी बनाया है उसके नोट पे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। और स्लिप स्टिच करने के बाद यह 3 कली की तरह बन जाएगा। फिर नेक्स्ट इस पे आएंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। इसमें भी अगेन 5 बनाने हैं। 2, 3, 4, 5 अब नेक्स्ट पे इस पे जाएंगे। इसमें भी फिर सेम प्रोसेस दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे अगेन ये सेम प्रोसेस दोहराएंगे। और दोहराते हुए इसे हमें पूरे रो कंप्लीट कर लेना है जैसा कि मैंने इसमें किया है। ये देखेंगे, यहाँ देखेंगे आप ये पूरे रो को इस तरह से देंगे। फिर अगेन यहाँ आएंगे, यहाँ 7, 7 फिर बैक तरफ से भी इस तरह से राउंड करते हुए हमें इस पर इस तरह कंप्लीट करना है। ये 2 रखेंगे इस तरह से और फिर यहाँ आएंगे। अब इस सेंटर पे थोड़ा सा मैंने बल्ब लगाया है। ये बल्ब कैसे लगाया गया है, इस बल्ब को बनाने के लिए हमने वाइट उल लिया है और इसके एक नोट बनाया। एक नोट बनाने के बाद अगेन एक 1 चैन बनाएंगे और इतना साइज का रखेंगे और इसमें से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम इस तरह से 5 टाइम बना लिया। अब सारे को एक साथ लेकर इस तरह से बंद कर देंगे और 1 चैन ले लेंगे, ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद यह कुछ इस तरह से बल्ब तैयार हो जाएगा। और इस तरह से बल्ब लेकर अब इसके सेंटर से हमें ये धागा को ना इस तरह से पीछे की तरफ से क्रॉसिया की मदद से इसे
खींच लेना है। और इसे बाइंड कर देना है। इसे आप इसके मदद से भी बाइंड कर सकते हैं और फिर इसे कट कर लेना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से सारे इसमें तैयार कर लेने हैं और यह हमारा तोरण पट्टी तैयार है। आप चाहे तो इस डिजाइन से कोई भी प्रोजेक्ट जैसे कि जैकेट, बेबी स्वेटर भी बना सकते हैं। इसे मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर पूरा करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसे लगाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसे जहाँ कहीं कुछ इस तरह का ऊपर नीचे लगे तो उसे टाइट कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल तोरण पट्टी तैयार हो गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।